हेलो गाइस, हियर इज एमके सिंह एंड दिस इज बोया BY M1Y। और हर किसी यूट्यूबर के लिए ये सुना जाता है, ये कहा जाता है कि इससे अच्छा माइक कोई भी नहीं है। ये एक वायर्ड माइक है, कॉलर माइक है, सेम इसकी तरह है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी वीक है। ये लगभग मुझे 170-180 रुपए का पड़ा था आज से 2 साल पहले, और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया BY M1 की, जिसकी प्राइस अमेज़ॉन पर फ्लक्चुएट होती रहती है, जो कि आपको 600, कभी 550, कभी 700, कभी 800 और कभी कभी 1000 से ऊपर भी चली जाती है। बट अगर आप इसे ऑफलाइन बाय करते हैं देन आपको ये आराम से 500 तक का मिल सकता है ईजिली, तो आप जाकर कहीं से बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जा कर के इसको बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। तो ये सामने की तरफ हमें दिख जाता है ये बोया, इसकी ब्रांडिंग और BY M1, और ये लेवलियर माइक्रोफोन है, ये भी हमें इसके ऊपर लिखा हुआ दिख जाता है। कंपैटिबल है ये टैबलेट्स और लैपटॉप, PC, इन सब के लिए, कैमरास के लिए। और पीछे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिख जाती हैं, फीचर्स दिख जाते हैं, क्लिप एंड माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स एंड PC। ये ओमनी डायरेक्शन है और हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज़। लो हैंडलिंग नॉइस, निक्रू लेपल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंड स्क्रीन एंड 1x4 इंच का अडेप्टर इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको कनेक्ट करने के काम में आएगा DSLR वगैरह के। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी है अबाउट 500 रुपीज़। मैंने ये ऑफलाइन बाय किया है, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, तो नीचे आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं जैसे ही, तो ये हमें सामने की तरफ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये एक बैग देखने के लिए मिल जाता है। तो ये काफ़ी सही है, पाउच है, इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे देखने के लिए। और इसके अंदर हमें दिख जाता है ये माइक, तो इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये आपको कैरी करने के काफ़ी काम आने वाला है, आप इसको आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और क्वालिटी देख के लगता है कि ये लेदर का बना हुआ है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और ओपन कर लेते हैं हम अपने इस माइक को। तो ये माइक है और इसके अंदर काफ़ी लंबी केबल है, ये इसके ऊपर लिखा होगा कि कितने मीटर की केबल है। आई थिंक ये अबाउट 10 मीटर के आसपास तो होनी चाहिए। तो ये हमारी 6 मीटर की केबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 6 मीटर केबल हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप दूर से रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप एजुकेशन की वीडियोज़ बनाते हैं बोर्ड वगैरह पर, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आप देख सकते 3.5 mm जैक है, उसके थ्रू आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आप अपने फ़ोन में कैमरा MX या ओपन कैमरा डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये उसके साथ ही कंपेटेबल होता है। आपका जो मेन कैमरा है उसमें कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, मोस्टली फ़ोन्स में नहीं करता है, जैसे कि सैमसंग वगैरह के कुछ फ़ोन्स हैं जहाँ पर ये कंपेटेबल है। ये क्लिप है और ये हमारा माइक है। तो और इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ये एक अडेप्टर और ये विंड स्क्रीन है, तो ये भी काफ़ी संभाल कर रखी हुई है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये विंड स्क्रीन है, इस पर लगाने के लिए फोम, ये अडेप्टर है DSLR वगैरह के लिए, और ये एक सेल है यानी कि बैटरी है, और एक ये हमारा सिलिका जेल है, ये हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको हम रखते हैं साइड में, अंदर कर देते हैं और आप देखते हैं इसकी क्वालिटी आखिर कैसी रहती है। पहले विंड स्क्रीन से चेक करेंगे, उसके बाद विंड स्क्रीन आने के बाद चेक करेंगे। तो गाइस, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे पुराने वाले माइक से आ रही है, और अभी मैंने अपना जो ये वाला माइक है बोया का माइक, ये कनेक्ट नहीं किया है। तो अभी आप इस ऑडियो को सुनिए, अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा, मतलब फिर आप सुनना और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑडियो में कितना डिफरेंस यहाँ पर आया है। चलिए फिर मैं आपको अब माइक को स्विच करता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है बोया का माइक, और ये कनेक्ट हो चुका है। और अब आप बताना कितनी जो वॉइस है उसमें फ़र्क आया है। ये जो मैंने माइक कनेक्ट किया है अभी फ़िलहाल, इसके अंदर मैंने ये विंड स्क्रीन नहीं लगाई है, फोम को कनेक्ट नहीं किया है, और अभी मैं इसको फोम को कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। तो अब हमारी ये फोम कनेक्ट हो चुकी है, फोम लग चुकी है, और अब जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये विद फोम हो रही है। और अब हमारी ऑडियो क्वालिटी कैसी है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताइएगा, क्या थोड़ा बहुत जो नॉइस वगैरह आ रहा था आसपास से वो रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर जो माइक लगने से पहले का नॉइस था वो रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। बाकी कल या परसों में आपको डिटेल्ड इसका एवरी कंडीशन में
कि किस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करता है, हवा में या सराउंडिंग्स में, बाहर खुले में, कितनी भीड़ में, शोर शराबे में, सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा इस बोया के BY-M1 माइक का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है, अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।